6 फरवरी को किसान एक बार फिर से कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर नेशनल हाईवे को 3 घंटे के लिए जाम करने वाले हैं। किसानों की तरफ से चक्का जाम की पूरी तैयारियां की जा रही है। जनवरी को हुई हिंसा के बाद आंदोलन को अलग नजर से देखा जाने लगा, लेकिन जब राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर भावुक हुए, रोने लगे, तो किसानों के साथ साथ देश के लोगों की भावनाएं सीधे उनसे जुड़ने लगी। 26 जनवरी को जो हिंसा हुई उससे किसानों के शांति प्रिय आंदोलन का लगातार चल रहा टूट चक्र भी खत्म हो गया। हालांकि किसानों को 2 फरवरी का संसद कूच का कार्यक्रम भी रद्द करना पड़ा। उसकी सबसे बड़ी वजह रही ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा। अब किसान आंदोलन को फिर से नई धार देने में लगे। इसके लिए बकायदा रणनीति भी तैयार हो चुकी है। देश भर के किसान नेशनल हाईवे को जाम करेंगे। ये जाम दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रहेगा। अरे एनसीआर नहीं, दिल्ली अलग क्षेत्र है, एनसीआर तो मुजफ्फरनगर तक का है। हमने दिल्ली में कहा कि दिल्ली में थोड़ा हम जाम कर रहे गए, दिल्ली में नहीं, दिल्ली जो अंदर है वहाँ तो अपने आप ही कर लिया भाई, वहाँ तो राजा ने अपने आप किले बंदी कर ली, वहाँ जाम करने की जरूरत ही नहीं। कौन है विदेशी कलाकार में जाएगा आप बता कर रहा होगा, मैं गया उन्हें जानूंगा, किले उखाड़ ली कुछ भी उखाड़ ले गए, हाँ ले गए, हम अनाज बो रहे थे वहाँ पर, वकील बो रहे थे। किसानों के एक्शन के बाद दिल्ली पुलिस के साथ साथ हरियाणा के जवान भी मुस्तैद थे। सरकार नहीं चाहती कि 26 जनवरी को जो हिंसा हुई वो एक बार फिर से हो, लिहाजा किसान भी अपनी छवि धूमिल करना नहीं चाहते। ऐसे में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने 26 जनवरी को हुई हिंसा को लेकर कई हैरान करने वाले तथ्य पेश किए हैं। 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट्स को देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये बिल्कुल कॉपी कैट बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है उसी तरह की एक्टिविटीज़ ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। तो इसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने जो ऑथर्स हैं टूल किट के उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है, धारा 153 और 120 भी IPC में, जिसका की इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा किया जाएगा। किसान नेताओं की ये पूरी कोशिश रहेगी कि 26 जनवरी को हिंसा की घटनाओं से धूमिल हुए आंदोलन की छवि को एक बार फिर से पूरी तरीके से मजबूत किया जाए, इसीलिए वे हर कदम को फूंक फूंक कर रखना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की भी इस आंदोलन पर पूरी नजर रहेगी।